तो जी आज मैं आया हूँ अपने होम टाउन मलेरकोटला और यहाँ पे मैं घूम रहा था। घूमते घूमते एक बहुत ही प्यारे अखाड़े पे पहुँच। हैप्पी सिंह जी हैं जो फिलहाल हमें बताएंगे कि इनके इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, कुश्ती अखाड़ा बोलते हैं, और ये इसके रूल्स क्या हैं और इसको करने का फायदा क्या है ना। हाँ। क्यों बच्चियों को इसमें पढ़ना चाहिए, राइट? हाँ जी सब तो पहले ही सारिया नू जी सत श्री अकाल जी। हाँ जी, ये कुश्ती अखाड़ा माहौराणा जी, साढ़े उस्ताद जी बग्गा उस्ताद मरेलकोटला, तो साढ़े उस्ताद जी प्रीतम माहौराणा जी, जेडे सानू इस भलवानी की लैन में लैके आए, उन्हों का भी असं बहुत धन्यवाद करते हैं। तो उस दे नाल ही साढ़े सीनियर साढ़े मिठू राम जी, उन्हों का भी असं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो साडा इस जगह हर रोज़ प्रैक्टिस करवाते हैं, साड़ी रोज़ मेहनत लगाते हैं। नौजवान ने जोड़े ये सारे नशे तो बचे रहन, नशे तो बचने के नाल एक चंकी सेहत पा, तो सेहत के नाल नाल अपनी पढ़ाई दे भी, तो अपने जोड़े गेम आ चंकी तरह इन्हों वधन, मतलब ये कम कर, जो ये गेम खेडन गए वो इन्हों की सेहत, इन्हों का घर तो दुनिया के किस तरह विचरना गा, वो सारा इस खेड के प्लेयर नू एक सारा कुछ नॉलेज होंगी है। तो इस दे नाल ही जो आप खेडते हैं ये रूल ने साडे कुश्ती दे के, कदे भी अखाड़े दे आना गा आ के लंगोट लगा के, तो उस तो बाद अपनी प्रैक्टिस पूरी करनी है, प्रैक्टिस पूरी करके तो अपना जोर करके मेहनत ला के फिर उस तरह मतलब शांत सुभा दे नाल घरे जाना गा, तो अखाड़े दे विच कोई मतलब किसी भी तरह के डिस्टर्बनेंस नहीं करनी, मतलब जो आप अखाड़े दे आने अपने गेम वल ध्यान करो, तो जो आप गेम वल ध्यान करते हैं उस समय अपना की है सारा माइंड फ्रैश हो जाता गा, जो अपना माइंड फ्रैश आ तो आप किसी भी आलतू फालतू की गल वल निगाह नहीं करते। तो इस दे नाल के सानू इस दे विच जो आप मेहनत करते हैं साड़ी एक अच्छी सेहत बनती है, मेहनत के नाल साडा शरीर जो आप खुराक खाने तो सानू खुराक भी लगती है, तो जो खुराक लगती है वो आप अपना मानसिक शरीर तो सारा कुछ अपना सैट रहा गा। बहुत ही वधिया गल की है जी हैप्पी जी ने, जिहड़ा आप सुनते हैं कि उड़दा पंजाब जिवें मूवी आई थी। हाँ जी, तो पंजाब नू बुरा ही करी जाते हैं कि इतने नशे ही चलते हैं, इतने सिर्फ नशे नहीं चलते, अजकल की नौजवान पीढ़ी तुसीं देख सकते हो, इन्ना छोटा बच्चा, मैं इन्ना छोटा पहलवान अज तक अपनी जिंदगी नहीं देखिया, तो मुंडे नू इन्ना शौक है ना भाई, मज़ा आता ना ऐसे करके। तो पंजाब में अच्छी चीज़ें भी बहुत हैं जो कि हम धीरे धीरे दिखाएंगे, और हमारी नौजवान पीढ़ी सिर्फ नशों में ही नहीं है, आप इनकी बात आपने सुनी है कि वो हेल्थ के लिए भी कॉन्शियस है और अपनी स्पोर्ट्स के साथ साथ हेल्थ और पढ़ाई भी साथ साथ कर रहे हो, है ना? तुम भी पढ़ते हो जी? हाँ जी, मैं बीए की है जी, हूँ ये अगर मैं लगना कि आईटीआई करना। देखो जी, सारे काम उरे वधिया चलते हैं, बाकी उरे आके मैंने इन्ना वधिया लग्या जी, थोड़ा पंजाबियों सवाल तो होंगे ही वधिया। थैंक यू सो मच। मैं इतने आके उन्होंने पूछा कि मैं रिकॉर्डिंग कर सकता, इन्होंने मैंने चाह भी पूछी है जी, तो कहें आराम उरे बह के जाओ, तुम पहला दस देता अभी होर बंदे भी लैके आते, चलो कदे असं दोबारा आ जाएंगे, हूँ तो भैया साड़ी गलबात हो गई है, तो एक बार चंगी तरह जो मेला लगूंगा उदो भी दिखाया जाऊँगा। थैंक यू जी।